आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान प्रवेश शर्मा, मधु शर्मा, हरीश शर्मा, रंजना शर्मा ने पवित्र पावन यज्ञ किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता एवं यज्ञ ब्रह्मा आचार्य सुरेश शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों से यज्ञ संपन्न करवाया, जिसके बाद भजनोपदेशक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वातावरण की शुद्धि एवं शुद्ध ऑक्सीजन के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, ओम प्रकाश मेहता, अनु आर्य, सुभाष आर्य, सुरेंद्र अरोड़ा, विजय कुमार चावला, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, इंदु आर्य, अशोक धीर, चौधरी हरिचंद, प्रवीण लखनपाल, तृप्ता चावला, नवीन चावला, भारती शर्मा, सोनू शर्मा व राजीव शर्मा, गौरव आर्य, लक्ष्मी सहगल, स्वाति अग्रवाल, धीरज, सुनीता रानी, गीतिका अरोड़ा, रजनी अरोड़ा, मधुबाला, प्रियंका शर्मा, ललित मोहन कालिया, अमित शर्मा और पवन शर्मा मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। में हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं और आपने ये अनुभव किया होगा कि जितना समय हमारा ध्यान यज्ञ में होता है, हमारे मन में शांति होती है। कोई भी किसी प्रकार का बुरा विचार हमें परेशान नहीं करता है, क्योंकि बुरा विचार हमें कब परेशान करेगा? जब हमारा मन खाली होगा। कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर है। तो हम जब अच्छे चिंतन में लगे रहते हैं, अच्छे विचार में लगे रहते हैं, तो फिर हमें वो फालतू बातें सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। फालतू जो चिंताएं हैं, कलेश है, कोई बुरे विचार है, वो हमें नहीं सताते हैं। तो जो सत्संग का समय होता है, इस समय में हमारा मन एकाग्र होकर आत्मा का चिंतन करता है, अपने इस जीवन का चिंतन करता है कि परमपिता परमात्मा ने मुझे ये शुभ कार्य करने का अवसर दिया है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। नहीं तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने लोग छुट्टियों में, जब छुट्टी होती है तो सुबह देर से 11 बजे 12 बजे उठेंगे और वो सोचते हैं कि हमने छुट्टी का फायदा उठा लिया। और कई लोगों के लिए तो छुट्टी का यही मतलब होता है कि सुबह देर से उठना, 10-11 बजे उठना, निश्चित होकर उठना। विशेष यज्ञ के रूप में, यजमान के रूप में उपस्थित हुए हैं और आज के यज्ञ ब्रह्मा हमारे आचार्य सुरेश शास्त्री जी और सोनू भारती जी ने बहुत सुंदर भजनों के द्वारा ये यज्ञ का संपन्न करवाया है सभी ने मिलकर के। मैं सभी नगर निवासियों से प्रार्थना करूंगा कि आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर में पिछले 1978 से लेकर नित्य प्रति यहाँ पर करोड़ों बार वेद मंत्रों का गुंजायमान हो चुका है और हो रहा है नित्य प्रति। यज्ञ ही हमारे जीवन का आधार है, हम यज्ञ के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है अगर हम अपनी संस्कृति के साथ बच्चों को भी जोड़ें,